मैंने ऐसे ही मजा में बोला था मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये सच मान लिया, फिर मुझे कह रहा है कि वो बार्गेनिंग कर कितना में मिल सकता है, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है, सो ऐसे ही भूल सकता है। यायो यायो मतलब क्या है? दादी 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 माँ, ये क्या दादी माँ उसको पायबंद देगा 500। पांगमाए मतलब, पांगमाए मतलब क्या है नहीं हो सकता, लेकिन दे नहीं सकता, मिसिंग। हेलो इंडिया, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग इंडिया एंड गुड इवनिंग ऑसम आसाम। सो गाइस, कुमरुक सुरुम पीएमसी के ऑफिशियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे आप लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को टाइम टाइटल देख के पता ही चल गया होगा ये वीडियो कहाँ का वीडियो है। वो वीडियो जो है मिसिंग यूथ फेस्टिवल का वीडियो था, आप लोग को पता ही है। पाँच डे आप लोग को देखा है, सेकेंड डे में क्या हुआ था, मेरा ब्लॉगिंग यूट्यूब के जरिए आप लोग को दिखाया था, और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ लास्ट डे में, थ्री डे में क्या हुआ था देखो, और मैं कितना एंजॉयफुल गया उधर का जो मिसिंग यूथ फेस्टिवल का नजरिया है, मेरा मोबाइल के जरिए मैं कैप्चर करके रखा था, आज आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। सो गाइस देखते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये देखिए धेमाजी डिब्रूगढ़ बोगीबिल का ये नज़ारा देखिए आप लोग, ये व्यू देखिए कितना मस्त है ना। वो देखिए, वो जो ब्रिज है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज के नीचे है ये मिसिंग यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया। सो गाइस, अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ, मेन गेट की तरफ से जा रहा हूँ, भी एंट्री कर देख सकता है टीएमटी के तका मिसिंग फोरिन के बांग जो है, ये लोग वॉलंटियर है, यानी पुलिस कहना पड़ेगा प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। सो गाइस, मैं उनकी तरफ, ये देखिए नज़ारा कितना औसम से बना हुआ है, बैम्बो से देखिए, नए मिसिंग यूथ फेस्टिवल करंट सापोरे, ये क्या दिखा है, 4 से 7 तारीख तक होगा ये गाइस। ये गेट की तरफ देखिए कितना मस्त बैम्बो से बनाया गया है ना, देखो ये, देखो ये है मेन गेट। अभी मैं यहाँ से एंट्री करके अंदर का जो परिवेश है आप लोगों को पूरा मैं दिखाऊंगा गाइस। ये देखिए, ये है मेन गेट, और मैं यहाँ से एंट्री करने वाला हूँ अंदर, अंदर का जो नज़ारा परिवेश जो है, जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों का उधर दिखाने वाला हूँ। देखो चलो अंदर की तरफ, और हम यहाँ से एंट्री कर रहा हो तो जो स्टॉल लगा हुआ है कपड़ा, अपने मिसिंग ट्रेडिशनल ड्रेस का दुकान लगा हुआ है, उधर हम जाएगा अभी। देवोदा कह रहा है वो एक स्कार्फ जो है अर्को लेने वाले, शायद कितना दाम है उसको देखते हैं, यहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाएगा, मैं दुकान की नज़र आ चारों तरफ देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये देख सकता है ये मिबुगा लुक, जैसे कि मैं ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, ऐसे ये अलग अलग कलर का होता है, सो ये हमारा मिसिंग ट्रेवल का ट्रेडिशनल ड्रेस है ये। ये देखिए इसका ये जो हर को कहते हैं, ये ब्लू से बना हुआ है, ये येलो, ये रेड से बनाया गया है। सो गाइस, ऐसा नहीं है सिर्फ मिसिंग का ही मिलेगा, अर्थ ट्रैवल का ये ड्रेस मिलेगा, कार्बी बोरो वो क्या क्या नागालैंड का, अरुणाचल वाले क्या क्या ट्रैवल कहते हैं सब मिलेगा यहाँ। सो गाइस दिखाते हैं, ये देख सकता है ये शायद अरुणाचल का ड्रेस है, ये देखिए बहुत सारे दुकान स्टोर लगा हुआ है, देखिए ये सब ट्राइबल ट्रेडिशनल ड्रेसेस है। सो गाइस, ये देखो भाई मिसिंग स्कार्फ जो हर को के लेने वाला है बड़ा वाला, वो उसको तांडा पड़ गया इसीलिए वो बड़ा वाला सा देख रही है, उसका पास भी है ऑलरेडी छोटा सा है, लेकिन ये बड़ा वाला लेगा अभी, देखते हैं कितना दाम है उसका। फिनिशिंग तो क्या बोल रहा है, फिनिशिंग अच्छा नहीं लग रहा है जी। वो देख रही है, देखो चॉइस कर रहा है अभी उसका रेट एमआरपी कितना है, हम यहाँ से पता चलेगा। ओ तो देवो भाई ने पूछा उसका कीमत कितना है, वो दुकानदार लोग आंटी लोग बोला 1100, यानी उसको क्या कहते हिंदी में 1100 रुपया। तो देवोदा को पूछते हैं कितने में वो लेगा, वो बार्गेनिंग करेगा, मुझे पता है
वो बहुत कंजूस है, अच्छा लग रहा है गाइस। देखो उस तरफ देखो, कमेंट करो गाइस, दाम मिलेगा तो ले जाऊंगा। बार्गेनिंग करो ना, मुझे पता है कितना में मिलता है, मैं बार्गेनिंग करूंगा तेरे लिए। ओके ओके, देव भाई को मैंने ऐसे ही मजा में बोला था मैं बार्गेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन ये सचमुच मान लिया, फिर मुझे कह रहा है कि वो बार्गेनिंग करो कितना में मिल सकता है, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है, सो ऐसे ही भूल सकता है। यायो यायो मतलब क्या है, दादी 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 माँ, ये क्या दादी माँ, उसको पायबंदे देगा 500। पांगमा है मतलब क्या है, नहीं हो सकता, लेकिन दे नहीं सकता, मिसिंग में हमारा ट्राइवल लैंग्वेज में पांगमा है मतलब हिंदी में दे नहीं सकता। फिर आए और लास्ट हम देगा 600, बस पैसा भी खत्म हो गया। अभी बहुत दूर से आए, जुरहाट बापड़ा से आए हम, आओ इतना महंगा, वाओ दादी लोग को कहना पड़ेगा यार 1200 का, उसके बाद 200 बार्गेनिंग कम कर दिया, उसके बाद 1000 रुपया में फिक्स कर दिया। तू ले सकता है कि नहीं, इतना महंगा, इतना दूर से आए, पैसा तो ऑलरेडी खर्च हो गया है। अवेलेबल है लेकिन देख लूंगा, देखते हैं और जगह साइड में यहाँ हो, हम दूसरा साइड में और देखने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए आपका पास ही ले जाने का सोच रहे हैं, तो 600 दे रहा हूँ। दूसरा साइड में देखा तो कम में भी मिल सकता है, इसीलिए यहाँ का सारी इधर से ही ले चलो, यहाँ का भी कुछ, यहाँ सोहर ठीक है। यायो ने नहीं दिया, यायो मतलब आप लोगों को पता ही हो गया, दादी माँ वो नहीं दिया, लेकिन हम 600 दिया था। बाद में दूसरे दुकान में भी देखते हैं, इधर ही पूछ लेते हैं, सामने बगल में भी दुकान है, देखो बहुत सारे स्टोर है यहाँ पर। कम और ये भी सॉरी, पहले रेड वाला देखा था, अभी ब्लैक वाला देख रहा है वो, ओ ब्लैक एंड रेड व्हाइट कलर मिक्सर है, 3 कलर मिक्सर है। ये देखो ये हमारा मिसिंग ट्राइबल ट्रेडिशनल सेल करने वाले ना, इतना जल्दी उन लोग बनाया होगा शायद, इसीलिए फिनिशिंग अच्छा नहीं देख रहा है, तो फिनिशिंग अच्छा नहीं तो कम कर सकता है। ये सबसे मेन रिवी का बनाया गया है, ये अच्छा है, भरा भी है, बस तेरा स्वेटर या जैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नाइट को भी उसको आराम से ले सकता है। हाँ फिर उसका कीमत कितना है, ओ 3000 1500, ये छोटा वाला बड़ा वाला 3000, ओ उस तरह हम पूछा था 1100 बोला था पहले छोटा वाला को, या फिर ज़्यादा ही दाम हो गया वही ठीक है। दूसरा क्या देखेगा, देखते देखते मेरा बेहतरीन भी ब्लॉग बनाते बनाते खत्म होने वाला है, यहाँ कहाँ सर्च करेगा यार, जगह ही नहीं है यहाँ सर्च करने के लिए, कहाँ सर्च करेगा। ये देवोदा का पसंद का हुई नहीं मिला, थोड़ा सा थोड़ा रिजेक्ट बताता है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा दाम बोलते हैं, रेट बोलते हैं, तो गए हम 700 दिया था वो नहीं दिया। उसका नाम क्या था, इसका रीवी का संग, फिनिशिंग अच्छा नहीं है, इसलिए शायद वो नहीं लिया, वो पूरा तांडा पर रहती, इसलिए लेने वाला था, अभी नहीं लिया। मुर्गिया सुअर फॉर्क, देखो कैसा डेकोरेशन करके रखा हुआ है, देखो ये मछली और हाथी की वो क्या कहते हैं उसको, एक साथ बनाया हुआ है, ये डॉल्फिन, ये सेल्फी ले रहा है लोग, देखो कम पूरा नज़ारा हमें आप लोग को दिखाऊंगा, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए ये छोटा छोटा घर बना हुआ है बेम्बू से, मैं दिखाएगा क्या क्या ट्राइबल लोग का घर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाएगा उस तरफ। ग्राउंड कुड़ी देख सकता है गाइस क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल कैंप कोम सेल्फी ग्राउंड, हम यहाँ भी एंट्री करने वाले हैं। सो गाइस उधर का जो लोकेशन है आपको परिस्थिति है मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर जा रहा हूँ शायद, सेल्फी पॉइंट है बना कर रखा हुआ है, बोल देखो गाइस ये भी एक गेट है यहाँ पर, वेलकम टू सेल्फी एंड गेम्स विलेज, देखिए नाइन मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2024,
फिर यहाँ से हम एंट्री करने वाला है सेल्फी लेने के लिए उस तरफ। वो बेम्बू का ब्रिज भी बना हुआ है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा उस तरफ। चलो सिंह लड़कियाँ देखो कितना खूबसूरत है अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ। देखे आश्रय ये ले लो। एक्सक्यूज मी, हाय हाय टू बोलो कम से कम। हाँ थैंक यू। सो गाइस ये देखिए आप लोग को ब्रिज दिखाएगा, मैं बेम्बू से बनाया गया है। थोड़ा सा झील है, पानी है, नदियाँ है, उसको कैसे फाड़ करने के लिए बनाया गया है। उस तरफ नजारा देखिए गाइस, पूरा सेल्फी पॉइंट बनाकर रखा हुआ है। थैंक यू सेलेक्टर TMP के। यहाँ से देखिए व्यू कितना मस्त है ना, देखिए सारी नजारा देखो यार। ये भी कैसे एंट्री बनाया गया है, देखो ये बेम्बू से बनाया हुआ ब्रिज है। ये देखिए वो सीमेंट रोड से बनाया हुआ भव्य ब्रिज है, उसका बगल में ये पानी फाड़ करने के लिए ये बेम्बू से बनाया हुआ ब्रिज है। हम जा रहे हैं अभी सेल्फी पॉइंट की तरफ। सो गाइस देखते रहिए आप लोग। ये देखो हमारा मिसिंग लड़कियां, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां देखिए अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। वाओ कितना मेहनत किया है यार, कहना पड़ेगा TMPK को यार, इसीलिए कहता है मिसिंग रेगाम हीरो। सो गाइस कितना मेहनत किया हुआ है देखो, इसको पार करने के लिए ये इतना मेहनत करके बनाया गया है। ये देखो सेल्फी पॉइंट व्यू देखो यार, ये रेट है, उसको बाली कहते हैं हमारा समिस में, रेट व्हाइट रेट। ये देखो ब्लॉग बनाते बनाते आ रहा था, ये देखिए मैं कभी नहीं देखा, ये क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं है। फिर सामने से मैं ब्लॉग बनाते आपको दिखाते हैं वीडियो करके। सो गाइस ये क्या चीज़ है आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग को शायद मालूम होगा लेकिन मुझे मालूम नहीं है ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइए। ये देखो यहाँ पर वॉलीबॉल का गेम शायद कंपटीशन चल रहा है, यहाँ का नजारा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए ये रेट आज पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे खेलते हुए, सिर्फ डूडू प्लेयर है 100। उसका रॉन्ग सर्विस हो गया शायद, इसीलिए वो एम्पायर वाला कुशल मार दिया। तो लेकिन हमारे गांव में तो सही लोग के साथ सही से तो 12 लोग बताइए, लेकिन ये दूर दूर सर कंपटीशन चल रहा है देखो बोली का। ये देखो क्या हुआ है तकम मिसिंग पॉइंट का, उसका अर्थ है उसका फुल मीनिंग तकम मिसिंग पॉइंट का। सो गाइस ये सेल्फी पॉइंट बनाकर रखा हुआ है, उस तरफ देखो पूरा नजारा देखो, सेल्फी पॉइंट बनाकर रखा हुआ है। इधर मैं सेल्फी खींचने वाला भी फोटो खींचने वाला, सो गाइस उस तरह मैं जा रहा हूँ देखिए वीडियो। देखो पीछे पीछे आ रहा है वो, तो शायद रेट में बाली में चल नहीं सकता, मोटा है ना उसका पेट भी देखो कितना मोटा है। आजा देव भाई फोटो किसे की, मैं उसको ऊपर जाने वाला हूँ अभी देखिए, मैं ऊपर चल रहा हूँ, एट स्टेप चढ़ना पड़ता है यहाँ पर। ये देखो तको मिसिंग पुरिन कबा, यहाँ पर मैं सेल्फी लेने वाला हूँ। वंट लड़कियाँ देखो रील्स बना रहा है कोई लोग, यहाँ पर सेल्फी खींच रहा है देखो देखो, यहाँ मैं भी सेल्फी लेने वाला हूँ। अभी लड़कियाँ लोग सेल्फी ले रहा है, क्यों पता नहीं रील्स बना रहा है, आई डोंट नो, बट अभी मेरा के फोटो खींचने वाला है। ऐसी ये क्या चीज़ें कमेंट करके बताओ, आप लोग को पता है तो क्यूटी क्यूटी खूबसूरत लड़कियाँ हमारा मिसिंग लड़कियाँ देखिए ट्रेडिशनल के साथ, सो क्यूट है ना। एंड ये यहाँ का व्यूज देख, अभी यहाँ पर भी मैं सेल्फी लेने वाला हूँ। ये लड़कियाँ लोग सेल्फी ले रहा है, अभी जगह नहीं है तो जल्दी करो, हम भी सेल्फी लेना है लड़कियों। गाइस सेकंड लेवल पास के कितना है, ये 1 2 3 4 सारा लेवल मैंने पार कर दिया सेल्फी पॉइंट का। अभी पांचवा वाला जा रहा हूँ, फिफ्थ वह भी उस तरफ जा रहा हूँ मैं, उधर भी सेल्फी लेगा। 5 लेवल तक पास हो गया हूँ, अभी 6th लेवल पे जाना है सेल्फी पॉइंट। सो गाइस देखिए
मिसिंग सेल्फी लेना है मुझे, ये लड़के भी सेल्फी किस लाया, शर्मा रहा है, वीडियो ले रहा हूँ ना इसलिए। सर मैं यूट्यूब पे आएगा तो आजकल सही लगाना चाहिए। इस तरह से बनाया गया है सेल्फी पॉइंट, देखो अभी मेरा 6-7 लेवल तक फर्स्ट गया हूँ, ये 7 नंबर वाला है, तो यहाँ पे भी सेल्फी खींचने वाला है। और लास्ट जो है आई लव माय मिसिंग यूथ फेस्टिवल, MIF का फुल मीनिंग है, वो है ये अंदर जा रहा हूँ मैं, देव भाई क्लिक करने वाला है। सो गाइस हेलो कैमरा मैन प्लीज 1 मिनट। ये जो सेल्फी पॉइंट है लास्ट है, मैंने 8 लेवल पार करके आ गया है, लेकिन ये 9वां सेल्फी पॉइंट है। सो ये लास्ट है, उसके बाद आम जाएगा उस तरफ किधर जिस जगह पे वो प्रोग्राम चल रहा है उस तरफ जाएगा मिसिंग यूथ फेस्टिवल, जिधर हो रहा है। ये तो साइड में बनाया गया है सेल्फी पॉइंट का, आप लोगों को दिखाया था क्या लिखा हुआ था उधर, ब्लेज किस गेम के ऐसे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मुझे इतना दिया। देखो दिस इज लास्ट लेवल करने का, आप लोगों को तो दिखाया था अभी एग्जिट करने वाला हो, फिर उस तरफ काम दिखाया गया, जो बेम्बू से घर दिखाई दे रहा है बनाया हुआ उस तरफ जाएगा, अभी उस पर पूरा डिटेल्स बताएगा लोग, उधर जाके दिखाएगा। सो गाइस अभी यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ सेल्फी पॉइंट से, फिर ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, फिश करके निकल रहा हूँ। आप लोगों को तो एंट्री करने के बाद दिखाया था भाई, अभी पूरा सेल्फी पॉइंट फोटो खींच के वीडियो लेके आप लोगों को पूरा व्यू दिखाया, फिर उसके बाद आप निकल जा रहा हूँ इधर से उस तरफ जाएगा तानी विलेज पे, सो उधर का लोकेशन आप लोग को दिखाएगा पूरी तरफ, आप लोग देखते रहिए। कुछ यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ देखिए ये जो बेम्बू का घर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ मैं एंट्री करने वाला हूँ, सो उसी की तरफ देखिए। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर एंट्री करने वाला हूँ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर तानी विलेज के मतलब आप लोगों को पता ही है गाँव, तो तानी मतलब इंसान है, लेकिन इंसान बस्ती है, ये इंसान रहने वाला जगह है, और हमारा मिसिंग ट्रेवल कैसे रहता है कैसे घर बनाता है वो बेम्बू से वो दिखाएगा आप लोगों को। ये देखो सारे देखिए बेम्बू से बनाया हुआ घर है, उन लोगों के बारे में बताएगा उधर जाके आप लोगों को दिखाएगा। सो गाइस अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ अंदर की तरफ, ये पीछे से बोल रहा है मैं लड़की जैसा हो, लड़की नहीं हूँ मैं लड़का हो। सो गाइस ये देखिए जगह इंसान प्लेस में आ गया, इंसान प्लेस में प्रियम चीकू को स्वागत है। सो गाइस अलग अलग इस तरह से बनाया गया है क्योंकि ये हमारा असम नॉर्थ ईस्ट में बहुत ट्राइबल लुक है, इसलिए अपना अपना ट्राइबल हाउसेज देखने के लिए किया होगा शायद, यहाँ डालों का घर होगा, नगर का घर होगा, तो हमारा मिसिंग का घर होगा, देवरी का हाउस होगा शायद, आपको देखा है लिखा हुआ नहीं रहे दिखाई दे रहा है, ये लोग हाई कह रहा है। ये देखिए गाइस हमारा मिसिंग जू है, ट्राइबल परंपरा हाउस जू है, घर है, ऐसा होता है ऐसा बनता है। ये देखिए बेम्बो से बनाया जाता है, वो ऊपर कैसे भी बनाया जाता है, जो भी पत्ते का वो लगा सकता है। ये देखिए पूरा बेम्बो से बनाया जाता है, ये देखो, और ये जो सीढ़ी है स्टेप, ये देखो हमारा जो सीढ़िया है, सीढ़ी कहते हैं ना ऊपर जाने के चढ़ने के लिए, ऐसा बनाया जाता है। ये देखिए शायद और उसके बाद पूरा मैं दिखाऊंगा उस तरफ का भी है, तो यहाँ पर उधर भीड़ है, जगह का अभी खाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं तो ज़्यादा हो गया शायद पता नहीं। ये देखिए ये भी एक घर है, तो गाइस देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर ऑफिस आर्टिस्ट के लिए है शायद रिजर्वेशन ये घर। ये देखो हमारा जो घर होता है कैसे बनना चाहते थे, कितना उस तरफ भी है डेकोरेशन करके डेकोर करके बनाया गया है। सो गाइस ऐसा ही होता है हमारे गांव ट्राइबल एरिया में, गांव में ऐसे कि जैसे ऐसे भी सीढ़ी बनता है, देखो स्टेप ये ऊपर जाने के लिए अलग अलग स्टेप से बना जाता है, ये देखो। अरे यार जैसे हमारे गांव ऐसे होता है तो हमारा घर भी ऐसे बनता है, आप लोगों को कितना बार बताओ दे। ये हमारा ट्रैवल हाउस मिसिंग हुकुम, ये मिसिंग ट्रैवल का हाउस है, देखो
मिसिंग हुकूम ऐसे बनता है हमारा ट्राइबल मिसिंग का। देखो परंपरा, ये जो आप देख रहा है ना उसको कीपर करते हैं, कीपर साहब, कीपर। आजकल ये गांव में नहीं दिखाई देता है, जो दान से चावल बनाता है उसको ऐसे ऐसे करके। ये व्यू देखो, उधर मिसिंग यूथ फेस्टिवल लिखा हुआ है, मैं जा नहीं सकेगा इतना दूर। अभी गाइस मैं स्टेप की तरफ जा रहा हूँ, जिधर परफॉर्मेंस कर रहा है, जिधर कंपटीशन चल रहा है। अभी उधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाएगा, इधर का सब नज़ारा देखा लिया, अभी जा रहा हूँ उस तरफ, आप लोग वीडियो देखते रहना। सो गाइस देखो,